नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा, 250 से ज्यादा लोगों की मौत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे, पीएम ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी कार्यक्रम टाले। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राजनीति छोड़ने का कोई इरादा नहीं, 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर जीतेंगे चुनाव। बिहार की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लालू के साले पर 1000 का जुर्माना लगाया। गैंगस्टर मोनू एनकाउंटर में ढेर, 2 पुलिसकर्मियों को भी लगी गोली। गुरुग्राम में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 7 लोग गिरफ्तार। तेलंगाना में बैडमिंटन खेलते समय व्यक्ति की कार्डियक अरेस्ट से मौत। गुरुग्राम में मारपीट के दौरान स्विमिंग पूल सुपरवाइजर का गला रेता। आइए अब नजर डालते हैं राज्यों की प्रमुख खबरों पर। जयपुर में बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान। यूटी टैक्स वसूली कंपनी स्पैरो सॉफ्टटेक को ब्लैकलिस्ट कराना चाहते हैं उदयपुर के पार्षद। पचपदरा रिफाइनरी में 31 दिसंबर 2024 से पहले शुरू होगा कमर्शियल प्रोडक्शन। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड की खास खबरें। 432 करोड़ की कमाई कर चुकी आदि पुरुष, 16 जून से होगी लाभान्वित। तमिल फिल्म थैरी के हिंदी रिमेक में नजर आएंगे वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। फास्ट एंड फ्यूरियस की अगली कड़ी, फिर एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे डेविन जॉनसन और विन डीजल। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद इलियाना ने शेयर की बॉयफ्रेंड की पहली झलक। अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। पीएम मोदी ने जूनियर एशिया कप खिताब जीतने के लिए भारतीय जूनियर हॉकी टीम को दी बधाई। ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद, कैमरून ग्रीन के मजबूत आईपीएल फॉर्म से डब्ल्यूटीसी फाइनल एशियज सीरीज में मदद मिलेगी। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की खास खबरें। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण का निर्देश का प्रारूप जारी किया। मिंत्रा ब्यूटी के EORS 18 में 1450 ब्रांडों के 85,000 उत्पाद, 100% की बढ़ोतरी। AWS इंडिया और साउथ एशिया के प्रमुख पुनीत चंडोक ने छोड़ा पद। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरें। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, इमरान मोदी से भी बड़ा खतरा, कहा हम विदेशी दुश्मन को पहचानते हैं। कोर्ट से रिहाई के तुरंत बाद पीटीआई अध्यक्ष परवेज इलाही फिर से गिरफ्तार। सोमालिया में हवाई हमले में अल शबाब के 3 आतंकी मारे गए। जापान की प्रजनन दर में लगातार 7वें साल गिरावट। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।